अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीएससी टीवी और मैं हूं उमर बख्त। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के स्टूडेंट्स के वफ़ ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विजिट किया। स्टूडेंट्स को पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट का विजिट करवाया गया और वर्किंग फ्लो बारे में बताया गया। इस हवाले से स्टूडेंट्स के क्या तासुरात हैं, आइए उनसे जानते हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आने से पहले आपकी पुलिस के बारे में एक परसेप्शन होगी, आप कुछ सोचते होंगे, आज आने के बाद अब आपकी क्या परसेप्शन है? जैसा कि देखा कि हमने कि इतने कम अरसे में लाइक 2 and 3 years में हमने 4.5 crore लाइक कॉल्स उन्होंने रिसीव किए हैं और इतने ज़्यादा उन्होंने जो उनकी सक्सेस स्टोरीज थी वो उन्होंने बताई हैं, वो सच अ वंडरफुल मैं कह सकता हूँ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के विजिट के दौरान वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में बताया गया, कौन सा फीचर आपके ख्याल से सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है इसमें? आप अगर कॉल करते हैं उसके ज़रिए ऐप के ज़रिए तो आपकी लोकेशन खुद ब खुद एक्सेस हो जाती है, वो ट्रैक कर लेते हैं आपकी लोकेशन को और आप तक ईजिली पहुँच सकते हैं। माइट बी गर्ल उस टाइम इस कंडीशन में ना हो कि वो आपको लोकेशन बता सके या उसको ना पता हो कि कौन सी लोकेशन है, तो वो खुद ब खुद एक्सेस कर लेंगे। वुमेन सेफ्टी ऐप में जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है आपको क्या लगा? सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि आपकी लाइफ लोकेशन जो है वो फ़ौरन से शेयर हो जाती है। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में है, आप नहीं अपनी लाइफ लोकेशन शेयर कर सकते या अपने बारे में नहीं बता सकते, तो फ़ौरन से आपकी लाइफ लोकेशन जो है वो शो हो जाएगी और आपको सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ई टिकटिंग एंड चलान डिपार्टमेंट का विजिट करवाया गया, बताया गया कि ई चलान भी होते हैं। आज से कुछ साल पहले लाहौर की ट्रैफिक और अब की ट्रैफिक में उस डिपार्टमेंट के आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा? रूल्स को फॉलो किया जाता है और ई चलान आपके घर आते हैं, मतलब आपको ये नहीं परेशानी होती कि अब हमने वो आईडी कार्ड दिया है फिर वो हमें जाके लेना पड़ेगा, आपने बस ऑनलाइन भरना है चलान को। उसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, मतलब लोग अब बहुत सुकून से मतलब अब ट्रैवल कर सकते हैं, एम्बुलेंसेज को जगह मिल गई है, डेथ रेशोस कम हो गई हैं, एक्सीडेंट रेशोस कम हो गई हुई हैं। आपको पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आके कैसा लगा, इस इंटीग्रेशन के निज़ाम को देख के, जदीद पुलिसिंग को देख के आपकी क्या फीलिंग? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है और जो कि मुझे सिक्योर फील कराता है और मुझे लगता है कि मैं एक वेल डेवलप्ड सिटी में रहता हूँ और एक अच्छा इन्वायरमेंट मुझे फील होता है कि मैं जो बेस्ट पहले सोचता था कि यार नहीं ऐसा, वो वैसा बिल्कुल ऑब्वियसली मेरे ऑपोजिट मैंने फील किया यहाँ पे आकर। स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन लेके पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हैं, क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का ये विजिट कितना ज़रूरी था और आने वाले टाइम में उनके फ्यूचर एक्सपोजर में कितना हेल्पफुल होगा? ये बहुत अच्छा विजिट था और स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर कि यहाँ पे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी क्या कुछ कर रही है, डाटा कैसे मेंटेन कर रहे हैं और किस तरह मॉनिटरिंग हो रही है ऑल ओवर द सिटी। और जो हमारे साथ स्टूडेंट्स आए हैं वो ज़्यादातर हैं रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, डाटा को कैसे हैंडल करना है, डाटा को कैसे एनालाइज़ करना है, तो ये पर्पस था उनका। और इस चैनल के तवसत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ DIG कामरान साहब का, CEO, और इसके अलावा आसिम साहब SP साहब का और शाहिद साहब DSP साहब का कि दिस वाज अ वंडरफुल ट्रिप और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें मिली और स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। और मैं ये चाहूँगा कि आपकी टीम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आए और हमारे बाकी स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस प्रोवाइड करें।